कैंसर की वजह बन रही है प्रदूषण। फेफड़ों का कैंसर एक जानलेवा रोग है जिसका सबसे बड़ा कारण धूम्रपान है, मगर एक्सपर्ट की माने तो प्रदूषण भी फेफड़ों के कैंसर का कारण बन रहा है। फेफड़ों के कैंसर से बचने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना चाहिए जिसमें अन्य प्रकार के कैंसर की तुलना में मृत्यु दर अधिक है। जब कैंसर के बारे में बात की जाती है तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले कॉलन कैंसर आता है और फिर फेफड़ों का कैंसर आता है। यह सबसे बड़ा कैंसर है जो भारतीय आबादी को प्रभावित कर रहा है और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत में हम कह सकते हैं कि हर साल 10 से 12 लाख लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं और इनमें से लगभग 9% मामले फेफड़ों के कैंसर के हैं। आनवेक लेबोरेटरी लिमिटेड के MD पैथोलॉजी और CEO डॉक्टर रवि गौर का कहना है, मानना है कि फेफड़ों के कैंसर के नियंत्रित करने के लिए इसके बढ़ने के मुख्य कारणों को समझना चाहिए। 50% मामलों में फेफड़े के कैंसर का सबसे आम कारण तंबाकू और धूम्रपान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्थिति खतरनाक है। लगभग 70 लाख तंबाकू का प्रत्यक्ष उपयोग से लगभग 9 लाख लोगों निष्क्रिय धूम्रपान के कारण मर जाते हैं। अब जानते हैं क्यों होता है फेफड़ों का कैंसर। हालांकि फेफड़ों के कैंसर में के बारे में बात करते हुए हमें यह भी पता होना चाहिए कि तंबाकू और धूम्रपान के अलावा भी कुछ अन्य कारण हैं। पॉल्यूशन जो इन देश में एक गंभीर समस्या है, फेफड़ों के कैंसर का एक कारण है। धूम्रपान सिगरेट पीने के तक सीमित नहीं बल्कि प्रदूषण भी एक प्रकार के धूम्रपान करने जितना ही घातक है। वास्तव में प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क के कारण फेफड़े के कैंसर का अनुपात 10 में से 3 मामलों का है। एक अन्य कारक कार्सिनोजन से संपर्क है, लेकिन प्रमुख कारण धूम्रपान ही है। लोगों के विशेष वर्ग में फेफड़ों के कैंसर की घटना के बारे में बात करें तो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में स्टेज 2, स्टेज 3 के या स्टेज 4 तक पहुंच जाता है क्योंकि वह शुरुआती स्क्रीनिंग के लिए अस्पताल नहीं जाते। दूसरी ओर उच्च वर्ग नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच के लिए जाता है, इसलिए कैंसर का प्राथमिक स्तर पर पता चल जाता है। इसलिए शुरुआती जांच महत्वपूर्ण है और वह लोग करते हैं जो अधिक जागरूक है। अन्य कैंसर के मुकाबले फेफड़े के कैंसर का पता लगाने में बहुत देर हो जाती है। अन्य कैंसर के लक्षणों को लोग जल्दी देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं और इसी प्रकार चरण 1 में भी कैंसर का पता लगाया जा सकता है। इससे प्रभावी इलाज हो सकता है। फेफड़ों के कैंसर का देर से पता चलने की वजह से जीवित रहने की दर 1 से 2 साल है, जबकि अन्य प्रकार के कैंसर में जो प्रारंभिक अवस्था में पता चल जाते हैं यह 5 से 20 वर्ष तक है। यद्यपि शुरुआती पहचान और उपचारों की नई तकनीक की वजह से फेफड़ों के कैंसर में जीवित रहने की दर में भी एक पायदान की वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी अन्य कैंसर की तुलना में फेफड़ों के कैंसर में मृत्यु दर बहुत अधिक है। फेफड़ों के कैंसर के लक्षण क्या है ये बताइए। आगे देखिए, लोगों को सांस की तकलीफें, वजन में कमी, लगातार बुखार, सांस लेने में कठिनाई आदि के बारे में सचेत होना चाहिए। यह सब तंबाकू के कारण है, इसलिए यह किसी वर्ग के बारे में नहीं है। यह उद्योग में काम करने वाले लोगों के साथ भी हो सकता है जहां वे विकिरण के संपर्क में काम करते हैं। ऐसे लोगों को निवारक उपाय करने चाहिए और एहतियात बरतना चाहिए, अन्यथा वे कैंसर के शिकार हो सकते हैं। लोगों को पता नहीं कि मुख्य समस्या क्या है और जब आप अपने डॉक्टर के पास वापस नहीं जाते तो जब आप लक्षणों की अनदेखी करते हैं तो आंकड़े बताते हैं कि निम्न वर्ग फेफड़ों के कैंसर से अधिक पीड़ित है। उच्च वर्ग में इसका जल्दी पता चल जाता है बल्कि निम्न वर्ग में इसका पता देर से लगता है, तब जब कुछ भी नहीं किया जा सकता। फेफड़े में कैंसर से कैसे बचे। पहली बात यह है कि फेफड़े के कैंसर से बचने के लिए धूम्रपान करना बंद करें और पेशी स्मोकिंग से भी बचें, अर्थात धूम्रपान करने वाले लोगों से भी दूर रहें। पैसिव स्मोकिंग भी एक समान कारण है जिसे निश्चित रूप से बीमारी फैलती है। आपको फिल्टर का उपयोग करना चाहिए, खिड़कियों का बंद रखना चाहिए, विशेष मास्क का उपयोग करना चाहिए, नाक पर गीला रुमाल रखना चाहिए ताकि कण आपके सिस्टम में प्रवेश ना कर सके, विकिरणों के निरंतर संपर्क से बचे आदि। फेफड़ों के कैंसर से बचने के लिए जीवन शैली में बदलाव यह आवश्यक है।
हरे भरे क्षेत्रों में जाएं, जीवन शैली में सुधार करें, नियमित व्यायाम करें, नियमित जांच के लिए जाएं, प्रतिरक्षा में सुधार करें, हरी सब्जियां खाएं आदि। हालांकि मास्क 100% प्रभावी नहीं है, लेकिन अगर ठीक से पहने तो प्रदूषण का सेवन 70-80% तक कम कर सकते हैं। संदेश यह है कि लोगों को स्वस्थ आते अपनाना चाहिए और कुछ हरा वातावरण बनाना चाहिए, प्रतिरक्षा बढ़ाना चाहिए, सक्रिय और निष्क्रिय धूम्रपान से बचना चाहिए और इससे फेफड़ों के कैंसर में 20% मामलों से बचने में मदद मिलेगी। यदि गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग धूम्रपान के संपर्क में आते हैं तो तुरंत जेनेटिक परिवर्तन होते हैं और उत्परिवर्तन होता है जिससे फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। उसे भी पढ़ें। हालांकि किसी को डरना नहीं चाहिए क्योंकि अब अच्छी दवाएं उपलब्ध है, सटीक उपचार उपलब्ध है, व्यक्तिगत सटीक दवाएं उपलब्ध है। जिस क्षण आप कोई लक्षण देखें तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फेफड़ों के कैंसर से जुड़े आंकड़े। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के मुताबिक फेफड़े का कैंसर छोटी कोशिकाओं, गैर छोटी कोशिकाओं दोनों पुरुषों और महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है। पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर अधिक सामान्य है जबकि महिलाओं में स्तन कैंसर अधिक सामान्य है। सभी अन्य कैंसर में लगभग 13% फेफड़े के कैंसर हैं। फेफड़े का कैंसर अब तक पुरुषों और महिलाओं दोनों में कैंसर होने के वाली मौत का प्रमुख कारण है। हर साल अंत स्तन और प्रोस्टेट कैंसर के मुकाबले फेफड़ों में कैंसर के अधिक लोग मर जाते हैं। फेफड़े का कैंसर मुख्य रूप से वृद्ध लोगों में होता है। फेफड़े के कैंसर का निदान करने वाले अधिकांश लोग 65 या अधिक उम्र के हैं। निदान पाए किए गए लोगों की बहुत कम संख्या 45 से कम है। निदान होने पर लोगों की औसत आयु लगभग 70 की है।